दोस्तों नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह अपने चैनल टारगेट हिस्ट्री 19 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शन में जो मैपिंग आती है उसके वीडियो देख रहे थे, और इस क्रम में हमने जो पहला मौर्य स्थल कालीन स्थल है वो पहला वीडियो देख लिया था। उसके बाद के जो स्थल है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अशोक के शिलालेख से संबंधित होंगे, तो आज ये वही अशोक के शिलालेख का पहला वीडियो है। इसके बाद अशोक के शिलालेख के दो और वीडियो मैं दूंगा। यहां पर देखिए, इस वाले में मैंने 10, इसको बड़े शिलालेख मैंने नाम दिया है, और इसमें 10 स्थल जो है मैंने आपको बता दिए। अब देखिए इसमें खासियत क्या है। देखिए यहां पर मैंने रेफरेंस लाइन नहीं खींची है। अभी तक हम जो मैप कर रहे थे वो रेफरेंस लाइन खींच के कर रहे थे, यहां पर मैंने रेफरेंस लाइन नहीं खींची। आप चाहे तो इसमें खींच भी सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने ये बताना चाहा है कि आप जो है अगर रेफरेंस लाइन नहीं खींचेंगे तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस आप ऐसे भी करिएगा बिना रेफरेंस लाइन खींच के। अगर नहीं हो पाता है तो एंड में आप रेफरेंस लाइन खींच के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैंने रेफरेंस लाइन बिल्कुल नहीं खींची है और स्थलों को बताने की कोशिश की है। ठीक, तो देखिए इसमें पहले नाम पढ़ देता हूं मैं एक बार। पहला है आपका शाहबाजगढ़ी, दूसरा है आपका मनसहरा, तीसरा है आपका कंधार, चौथा है आपका कलसी, पांचवा है आपका गिरनार। ठीक है, उसके बाद छठा आप यहां देख सकते हैं वो है आपका सोपारा, सातवा है आपका धोली, आठवा है आपका जौगढ़, नौवा है आपका सन्नति, और दसवा है आपका येरागुड़ी, जिसको ईराकुड़ी भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए जो पहला है आपका शाहबाजगढ़ी, वो आप यहां पर देख सकते हैं, पहला और दूसरा एक साथ है, शाहबाजगढ़ी और मनसहरा यहां पर पॉइंट देख सकते हैं, और ये दोनों जो है आपके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, उसके बाद जो तीसरा है वो आप यहां देख सकते हैं, ये तीसरा है आपका कंधार, जो कि आपके अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद देखिए आपका जो पांचवा है गिरनार, जिसको जूनागढ़ भी हमने देखा था, तो ये पांच नंबर पॉइंट आपका यहां पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। छठा है आपका सोपारा, यहां देख सकते हैं, ये रहा आपका छठा नंबर पॉइंट, और ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए सात नंबर पॉइंट था हमारा धोली, ये रहा आपका धोली, ये देख सकते हैं आप यहां पर उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद जो आपका जोगड़ है उसकी स्थिति आप यहां देख सकते हैं, ये रहा आपका आठ नंबर पॉइंट, और नवा है आपका सन्नति, ठीक है, ये रहा आपका सन्नति नौ नंबर पॉइंट, और दसवा है आपका एरागुड़ी या फिर ईराकुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहां देख सकते हैं ये रहा आपका। ठीक है, तो ये 10 जो है आपके अशोक के बड़े शिलालेख हो गए। इसके बाद दो और वीडियो आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।